क्या है भारत के खिलाफ चीन का रावलपिंडी प्लान? दो मोर्चों पे कर रहा है तैयारी चीन और पाकिस्तान। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पे तनाव चरम पे है और चीनी सेना के मुकाबले भारतीय सेना रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में चीन पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ एक साथ दो मोर्चा खोलने की साजिश कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है चीन की चाल। भारतीय सेना ने जिस तरह पहले गलवान घाटी में और अब पेगोंग झील के दक्षिण किनारे पे चीनी सेना के मंसूबों को फेल कर दिया है, उससे चीन और भी ज्यादा झुंझला गया है। इसलिए अब उसके दिमाग में 1962 वाला युद्ध घूम रहा है। तब चीन ने LOC पे पाकिस्तानी सेना को खड़ा करके भारत के खिलाफ युद्ध के दो मोर्चे खोल दिए थे और अब एक बार चीन फिर से उसी रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, नया भारत है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत के खिलाफ LOC पे सेना की तैनाती बढ़ाने के बदले में चीन ने पाकिस्तान के साथ में एक डील भी की है और डील के तहत चीन पाकिस्तान को हथियार और नई तकनीक देने में जुटा हुआ है। चीन अपने VT4 टैंक की नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है और VT4 मैन जो टैंक है वो मेन बैटल टैंक है जिसका चीनी सेना उपयोग करती है उसके युद्ध क्षेत्र में, और ये MBT कहलाते हैं, यानी कि मेन बैटल टैंक। चीन की पाकिस्तान को मदद। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के लिए लगभग 180 अल खालिद 1 टैंक बनाने की भी मदद कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन पाकिस्तान के लिए सिर्फ टैंक अपग्रेडेशन ही नहीं कर रहा है बल्कि उनके लिए उन टैंकों में लगने वाली आर्टिलरी या तोपखाने को भी मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चीन के SH-15 ट्रैक माउंटेड गन को खरीदने की फिराक में है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना POK में कई जगह भारत के खिलाफ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान को A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की एक खेप दे चुका है। चीन और पाकिस्तान का नेक्स्ट। इतना ही नहीं, पाकिस्तान चीन की मदद से VOIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए खुफिया मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना चाहता है ताकि भारत पे निगरानी रखी जा सके और भारत से मिलने वाली किसी भी जानकारी को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट किया जा सके। इसके लिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट के जरिए बातचीत की जा सकती है और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह साझा किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के दुश्मन हैं और दोनों के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत या इतनी सलाहियत नहीं है कि भारत के साथ में अकेले वो लड़ सके या जीत सके। इसलिए दोनों अक्सर मिल जाते हैं और भारत को परेशान करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी यही हो रहा है कि एक डायरेक्शन से पाकिस्तान भारत को परेशान करता है और दूसरे डायरेक्शन से चीन भारत को परेशान कर रहा है। लेकिन चूंकि चीन की चालें चल नहीं पा रही हैं और चीन भारत को अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर पा रहा है, भारत से बार बार वो मुँह तोड़ थप्पड़ खा रहा है, इसलिए वो अब अपने पालतू देश जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है उसको तैयार कर रहा है भारत के लिए, ताकि भारत को दोनों तरफ से परेशान किया जा सके और भारत को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये बात पक्की है कि भारत नहीं मानने वाला है, PM मोदी नहीं मानने वाले हैं और चाइना आखिर तक कितने भी कोशिश कर ले भारत को नहीं झुका सकता है। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ पापा YouTube चैनल को। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।